हे नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सैंपल पेपर की। जैसा कि आप सभी सामने देख रहे हैं और आपने आईडिया लगा दिया होगा वीडियो के थंबनेल को देख करके कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगा जीके के 50 क्वेश्चंस की। जी हाँ दोस्तों, जीके के 50 क्वेश्चन की। ये सभी क्वेश्चंस मैंने इस बुक में से लिए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन देखिए, खुद आइडिया लगाइए। जिन बच्चों को तैयारी करते हुए 1 ईयर्स प्लस हो चुका है, 1 साल से अधिक हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि वो सभी इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, अपना लेवल चेक करें कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि आपने कितना नंबर स्कोर करा। जो भी आपका फाइनल स्कोर बनता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इस सेट का क्वेश्चन नंबर 51। 51 से शुरुआत होती है सामान्य जानकारी, मतलब सामान्य अध्ययन के भाग की। तो बात करते हैं 51 की। इसमें पूछा गया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में सामान्य रक्तचाप होता है। तो सामान्य रक्तचाप जो होता है वो होता है 120/80 mm पारा। तो सी यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। और कोई भी फैक्ट जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर 51 में, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। विशेष रूप से महिलाओं में एनीमिया एक सामान्य शारीरिक समस्या होती है, निम्नलिखित में से किस एक में कमी भारत में एनीमिया के लिए जिम्मेदार है। किसके कारण से एनीमिया की तकलीफ होती है, महिला ग्रसित होती है किस चीज की कमी से, ठीक है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी आयोडीन या ऑप्शन डी जिंक। तो इसका जो प्यारे बच्चों राइट आंसर है वो है आपका बी आयरन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। विटामिन डी हमको किस में मिलता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया कई बार। तो विटामिन डी जो हमको प्राप्त होता है वो होता है सूर्य से। और विटामिन डी से क्या होता है, हमारी हड्डियां क्या होती है स्ट्रांग बनती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके फैमिली में अगर कोई छोटा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसकी मालिश करी जाती है और उसको कुछ टाइम के लिए धूप में रख देते हैं, मतलब धूप की किरणें उसकी बॉडी पे पड़ती हैं। और इस तरह से क्या होता है, वो हम ऐसा क्यों करते हैं, वो हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जिससे कि बच्चे की बॉडी जो होती है ग्रोथिंग एज में उसकी हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत बन सकें। तो विटामिन डी जो हमको मिलता है भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, वो मिलता है हमको सूर्य से। तो डी यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रसारक के घटक या प्रेषित बीमारी जिसे काला ज्वार, डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया के घटक कौन से हैं। तो ये जो हमसे घटक पूछ रहा है यहाँ पे, इसका राइट आंसर मैं बताऊँ सबसे पहले कि क्या होगा। देखिए एनाफ्लीज मच्छर, ये होगा डी। और क्यूलेस का जो होगा, चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ कि इसको इस तरह से ना समझा करके मैं इसको ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी 3 4 2 1। देखते हैं आप इसमें कौन सा 3 4 2 1 है। तो 3 4 2 एंड 1। चलिए अब देखते हैं इसका हम आंसर किसका क्या था। देखिए एनाफिलीज मच्छर जो हमको बीमारी होती है इसे काटने से वो होती है मलेरिया। और क्यूलेक्स जो होती है वो होती है फाइलेरिया से। एडिस मच्छर से हमको डेंगू हो जाता है। और सैंड फ्लाई के द्वारा हमको कौन सी तकलीफ होती है, कौन सी बीमारी होती है, ये होती है काला ज्वार। तो आप इसमें डेंगू, मलेरिया, काला ज्वार ये तीनों आप पैंडम करेंगे। फाइलेरिया पूछता है लेकिन बहुत कम पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर आप इसको याद करने का कष्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर है गौतमी।
इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा गौतमी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत में स्थानीय स्वशासन में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या करा था भारत में स्थानीय स्वशासन में रुचि इसने ली थी, किसने ली थी? लॉर्ड रिपन ने। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है मुमताज महल। ये एग्जाम एमटीएस में पूछ सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपका सीएचएस में नहीं आएगा और सीजीएल में नहीं पूछेगा, लेकिन आपका एमटीएस में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि चाय के उद्दीप्ति कारक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है एल्कलाइड, मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चंस भी आपसे बहुत थोड़ा कम पूछेगा, लेकिन फिर भी आप याद करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे कहता है कि कौन सा एक क्लोरोफिल में उपलब्ध होता है जो पौधे के पत्ते को हरा रंग बनाता है? पौधे के जो पत्ते होते हैं उसका जो हरा रंग होता है उसका रीजन क्या होता है? पत्तों में ऐसी चीज क्या होती है जो उसको हरा बनाए रखता है? तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषता तोता, प्लेटिपस और कंगारू में समान रूप से पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है होमोथेरेपी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में शेष अंग का उदाहरण है? जबड़ा, कान की मांसपेशियां, श्रीदंत या प्रंगाणिका? तो इसका भी आपको सही जवाब मिलेगा, वो होगा आपका बी, कान की मांसपेशियां। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिट्टी के नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्वतंत्र बैक्टीरिया सहायक करता है? तो ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा ए। और जो बच्चे ये मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपना फाइनल स्कोर आप अपना बनाना और बताने का कष्ट करना कि कितने नंबर आपके आए, अगर बताना चाहते हैं तो, वरना कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं 63 की ओर। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? मोस्ट 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 एमपी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होती है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत। निम्न धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सीसा। क्वेश्चन नंबर 65, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच कौन से देश में है? तो इसका जो सही आंसर है ए बी सी डी में से हमको एक चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके में। यूके में क्या है? ग्रीनविच होता है। और जो सौर मंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मी में, जाड़ों में, बसंत में, या यह कभी नहीं बदलती, इसकी जो मोटाई है वो परिवर्तित होती है, लेकिन कब होती है? इसका राइट आंसर है गर्मी में। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67, पश्चिम यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? उसका नाम हमसे पूछ रहा है। इनका नाम हम सब जानते ही हैं, वास्को डी गामा। इसका ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के। अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की जो टोटल लंबाई होती है वो कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 26 मील। आप 26 मील याद रखना, लेकिन एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो केवल सिंगल 26 मील 785 गज भी दे सकता है, लेकिन आपको जो पूरा फॉर्मेट याद रखिए, 26 मील 385 गज टोटल क्या होती है, डिस्टेंस होता है किसका? मैराथन दौड़ का। अगला क्वेश्चन है कि सैटनिक वर्सेस पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी सलमान रशदी ने या सलमान रुशदी ने? तो ये बुक काफी फेमस बुक है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता था, पता चल गया आपको। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 70 है कि मांग अनुदान कब बन जाती है। मांग जो होती है वो अनुदान कब बन जाती है, किस कंडीशन में बनती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, काफी बच्चों को पता होगा इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर क्या है, मांग स्वीकार हो जाने के बाद। हेन सांग द्वारा भारत की यात्रा किसके काल में हुई थी। बात कर रहा है हेन सांग की, ठीक है। हेन सांग में शुरुआत किससे हो रही है, यहाँ पर है से हो रही है से हल। और ये जो आया था, ये आया था इस है के काल में, किस है के काल में, हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। तो इन दोनों को हमने याद करा है, हेन सांग, हर्ष, हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 71 का, 71 का राइट आंसर होगा सी। अगला है कि मातृ देवी की पूजा संबंधित थी आर्य समाज से, आम्य हरिक समाज से, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज से, या उत्तर वैदिक सभ्यता से। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मातृ देवी की पूजा के कुछ नमूने मिले थे। तो ये संबंधित थी किससे, सिंधु घाटी सभ्यता से। अलेक्जेंडर, इसको हम बोलते हैं अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट 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 टाइम पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। तो इसका राइट आंसर है वो है हाइडे स्पीज में, ठीक है। ये स्थान था, और बात करें ये युद्ध कब हुआ था, ठीक है, इसके बारे में छोटा सा फैक्ट होगा। ये हुआ था जो 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे पर। कभी कभी पूछता है कि कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था, तो हाइडे स्पीस को हम लोग झेलम नदी भी बोलते हैं। तो ये झेलम रिवर थी, और यहाँ पे जो युद्ध हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया। तो ये जो हुआ था, ये हुआ था 21 जून 1576, हाँ 1576 में हुआ था ये युद्ध। बात करते हैं किस किसके बीच में हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। बच्चों अगर मैं आपको कोई भी फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी फैक्ट में कोई भी डाउट हो, क्या ये ईयर नहीं था, कोई और ईयर था, पहले आप उसको गूगल में सर्च करना, उसके बाद में मुझे वेरीफाई कराना कि हम लोगों ने कहाँ पे गलती करी है, ठीक है। जैसे अभी हल्दी घाटी में थोड़ा सा मुझे डाउट है, 1576, डाउट तो खैर नहीं है, मैं श्योर हूँ कि फिर भी उससे गलती हो गई, फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। मुझे उसकी डेट तो याद है कि ये हुआ था 21 जून को, लेकिन ईयर में 1576, श्योर हूँ 99%। और आप इसका सर्च करना, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, सही ही बताऊंगा आपको जो भी कुछ होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी गलती हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर, कि बोध साहित्य को पहचानी कौन सा है। इनमें से बोध साहित्य कौन सा है, तो उसका राइट आंसर है त्रिपिटक, ठीक है ना। ये त्रि का मतलब होता है तीन, बोध क्या थे, तीन व्यक्ति थे, इस तरह से आप उसको याद करिए, ठीक है ना। तो त्रिपिटक का संबंध जो है वो किससे है, बोध साहित्य से। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा को किसने रोका, उसका नाम किसका, गवर्नर जनरल का। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सती प्रथा हो गई, इसको लेकर के काफी लोगों के अंदर बुरे विचार थे, कुछ बुरी भावनाएं थी, कुछ बुरी प्रथा थी, उन सबको समाप्त करा गया किस गवर्नर ने। तो अगर ये प्रथा उसने समाप्त करी, तो ये गवर्नर काफी अच्छा गवर्नर रहा होगा, तो इसका नाम आप याद रखिए, विलियम बेंटिक। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर है कौटिल्य। कौटिल्य जो है इसका राइट आंसर है, और कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं, दोनों ही इसके नाम है। क्वेश्चन नंबर 78, 78 में हमसे कहता है कि संसद सत्र के दौरान प्रश्न काल या क्वेश्चन आन का समय क्या रखा गया है, सुबह 11 से लेकर के 12 बजे तक, 12 से 1, 11 से 1, या फिर 1 से 2, उसका टाइम क्या होता है क्वेश्चन आर का, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है, 11 से 12 बजे सुबह के होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा काल कौन सा चलता है, क्वेश्चन आर, मतलब प्रश्न काल, 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, संपत्ति का
अधिकार क्या है? मूल अधिकार के अंतर्गत आता है संपत्ति का अधिकार, या व्यक्तिगत अधिकार कहलाता है, या कानूनी अधिकार होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमें कोई एक आंसर चूज करना है, ठीक है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हम कानूनी अधिकार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश के संपूर्ण वित्तीय प्रणाली और सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षक एवं नियंत्रक कौन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अब मैं हर एक क्वेश्चन को आपसे अच्छा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में रखे गए हैं, तो किसी न किसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस मॉक टेस्ट को बनाया गया है। अगर आप हो सके तो ये मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। अगर नहीं मिलता है तो आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक आपको दूंगा, ठीक है? आप चाहो तो वहां से भी परचेस कर सकते हैं, जहाँ से आपको बेस्ट लगे वहां से परचेस करो, लेकिन पढ़ो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, बस पढ़ो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 80 से शुरुआत करते हैं हम लोग। देश के संपूर्ण वित्तीय प्रणाली और सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण एवं नियंत्रण कौन होता है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, संसद, उच्चतम न्यायालय, या फिर वित्तीय आयोग? तो इसका राइट आंसर है कैग, मतलब ए, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। ये एग्जाम में आपको कैग करके बोलेगा, CAG कैग, तो कंफ्यूज मत होना, हिंदी में दे इंग्लिश में दे, दोनों ही बातें हमको पता होनी चाहिए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 511 में, मतलब 5 से लेकर 11 जो भी अनुच्छेद है वो किस चीज से संबंधित है? 5 से लेकर के 11 की बात कर रहा है हमसे, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर है नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित क्या है? 5 से 11 हमारे पास आर्टिकल संबंधित होते हैं। रिट जारी किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा रिट जारी हो सकता है, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, रिट हमारा कोई भी जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय भी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है। देखिए इसमें क्या होगा, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है? तो लेकिन आपको राइट आंसर याद रखना है कि रिट जो जारी किया जाता है किसी भी न्यायालय के द्वारा करा जा सकता है, या तो वो उच्च न्यायालय हो या फिर वो उच्चतम न्यायालय क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। नागरिकता के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? समान सिविल संहिता बात कर रहा है हमसे इसकी, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 83 में जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44 के अंतर्गत समान सिविल संहिता का बात करी गई है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन किया जा सकता है? अगर नए राज्य का निर्माण करना है, जैसे कि आपने देखा कि तेलंगाना एक नया राज्य बना, ठीक है ना, इस निर्माण से संबंधित संविधान में संशोधन कहाँ पे होता है? संसद के विशेष बहुमत से, या फिर संसद के विशेष बहुमत और संविधान राज्य के परामर्श से, संसद के साधारण बहुमत से, या फिर संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्य विधानमंडल के अनुसमर्थन से? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी, संसद के साधारण बहुमत से भी राज्यों का निर्माण हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से पारा का अयस्क है? सिनेबार, कॉपर, पाई, राथट, मैग्नेटाइट, या फिर सीडेराइट? तो इसका सही जवाब है ए, सिनेबार। सिनेबार जो होता है वो पारा का अयस्क है, और शेष सभी जो अयस्क है वो है लोहे के, ठीक है ना? सिनेबार तो हो गया पारा का, बाकी जो अयस्क है ये पारे के नहीं है, तो बाकी क्या होगा? रॉन्ग आंसर होगा हमारा, सही आंसर केवल क्या होगा? ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 86, जब कैरोसिन तेल का छिड़काव पानी पर किया जाता है तो मच्छर के लार्वा पानी के सतह पर डूब के मर जाते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव क्या रहेगा उस टाइम, जिसका रीजन होता है कि ये मच्छर सभी मर जाते हैं? इसका सही आंसर है, पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ के, नहीं, यह है फिलहाल मानव तरंग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 87, कि किस तरंग को मानव कान द्वारा नहीं सुना जा सकता? ध्वनि तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, या फिर प्राश्रव्य तरंगे? तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा डी, ए, बी और सी, इन दोनों में से किसी को भी नहीं सुना जा सकता। किस किस को? अपश्रव्य तरंगों को हम नहीं सुन सकते,
और ना ही हम लोग पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। तो इसका बी और सी दोनों ही हमारा राइट आंसर है। हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे कि किस तरंग को मानव कान द्वारा नहीं सुना जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 में ध्वनि की चाल किसमें माध्यम में ताप के बढ़ने से क्या होगा। तो इसका सही जवाब है आपका 88 का सी, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति का परास क्या होता है, ये इसका परास क्या होगा। तो ए बी सी डी आपको सेम इसी पैटर्न पे आपको ऑप्शन देगा, ठीक है ना। इसमें वो चेंज नहीं करता मैक्सिमम, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। हर एक पेपर में जब हम लोग सर्च करते हैं तो उनको ए ऑप्शन सेम मिलेगा, बी ऑप्शन सेम मिलेगा, डी भी बिल्कुल सेम मिलेगा और डी भी बिल्कुल सेम रहेगा। तो लेकिन आपको सेम के अकॉर्डिंग सी याद नहीं करना, बी याद नहीं करना, आपको न्यूमेरिक याद करना है कि ध्वनि तरंग के आवृत्ति का परास क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। 10 दिसंबर को इनमें से क्या मनाया जाता है, 10 दिसंबर को इनमें से क्या मनाया जाता है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, ऑप्शन बी विश्व आवास दिवस, सी विश्व सेवा दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो इसका सही जवाब है डी, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है कब, 10 दिसंबर को। अगला जो क्वेश्चन है वो है 26 जनवरी। जी हाँ प्यारे बच्चों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भारत के अतिरिक्त कौन राष्ट्रीय दिवस मनाता है। हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, तो सेम ही इसी डेट पर कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाता है, उस देश का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ का जो है वो राष्ट्रीय दिवस है 26 जनवरी। गीता गोविंद के लेखक कौन है, गीता गोविंद के पास कर रहा है हमसे। और इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जयदेव। गीता गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्नलिखित में कौन विषम है, कौन इनमें से अलग है। नोबेल पुरस्कार एक पुरस्कार है, मैग्सेसे पुरस्कार भी एक पुरस्कार होता है, राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार ये भी पुरस्कार है, सभी हमारे पुरस्कार हैं। लेकिन हमको वो बोल रहा है कि इनमें से ऑड देखो, कौन सा इसमें विषम है, कौन सा इसमें अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 में बात करेंगे, वो बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य अकादमी फेलोशिप के साथ एक साहित्य पुरस्कार है। ज्ञानपीठ क्या है, ज्ञानपीठ एक साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, और ये सबसे अलग है। नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार, ये सभी अलग है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे साहित्य पुरस्कार है। और इसको इस सभी ऑप्शन में से ये आपका अलग ऑप्शन होगा। किस खेल का संबंध संतोष ट्रॉफी से है, संतोष ट्रॉफी। ठीक है, संतोष ट्रॉफी की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। फुटबॉल की ये ट्रॉफी होती है, इसका संबंध जो है वो है फुटबॉल खेल से, संतोष ट्रॉफी का। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था, रीजन क्या था। इसका जो रीजन था वो था क्रिप्स मिशन। बी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सीजीएल के एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है, एमटीएस के एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया टोटल ये। और ये गांधी जी से संबंधित कोई भी एरा है, गांधी जी से संबंधित कोई भी फैक्ट है, तो आप कोई भी यूट्यूब पर सर्च मारिएगा वीडियो, आपके पास उसमें इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे गांधी जी से संबंधित वो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि गांधी जी से संबंधित एक ना क्वेश्चन सबसे एग्जाम में जरूर पूछता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। लॉर्ड मैकाले संबंधित था किससे, लॉर्ड मैकाले जो संबंधित था वो था अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में जो इंग्लिश का जो प्रचलन काफी बड़ा, सबसे पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुआ भारत अंग्रेजी लैंग्वेज से, वो लॉर्ड मैकाले के ही काल में हुआ था। 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है सी, 6 महीने का। जापान की संसद को हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, तो जापान की जो संसद होती है वो होती है, देखिए, डाइट, डायर, युआन या फिर सोरा। तो इसका सही आंसर है डाइट। जापान की संसद को हम क्या बोलते हैं, डाइट। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, एक्सरे के आविष्कारक कौन है, एक्सरे का आविष्कार किसने करा, ये उनका नाम पूछ रहा है। हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से सही आंसर चूज करना है कि क्या था। तो इसका सही आंसर है सी, W.K. रोंटगेन।
ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी मालदीव या फिर डी बांग्लादेश। तो इसका सही जो जवाब है वो है मालदीव। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनस का जो संबंध है वो किससे है? मालदीव देश से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये थे टोटल 50 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्पीड बहुत फास्ट थी लेकिन इतनी स्पीड हमको मेंटेन करनी पड़ेगी। और आई होप आपने कि सभी क्वेश्चंस नोट करे होंगे, वीडियो को पॉज करा होगा और अपना स्कोर बनाया होगा कि आपके कितने नंबर आए। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग, आपके आने वाले एग्जाम के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।